हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.2 नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ट्रांसपोज, बाय दिस वर्ड ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is a process in which we can interchange the rows and columns of a matrix। क्या कहा मैंने? मैंने बोला कि transpose एक वो process है matrix का जिसमें आप rows और columns को क्या कर देते हो? Interchange। Like suppose we have a matrix 1, 2, 4, -1। Okay? So transpose is generally shown by A dash। इस तरीके से आप इसको शो करते हो। और एक्चुअल में इसमें करना क्या है आपको? रो जो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सो 1, 2, एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। सो दिस इज द ट्रांसपोज। इसी को ही क्या कहा जाता है? ट्रांसपोज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास I cross J ये ऑर्डर है, तो जैसे ही आप इसका क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? J cross I। देखिएगा, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल और देखिएगा। एक मैट्रिक्स लिया हमने 1, 2, 4, 2, -1, 8। ऑर्डर इज 2 × 3, 1, 2, 2 रोज, सो 2 × 3। नाउ बी ट्रांसपोज की जब आप बात करोगे तो देखिएगा, फर्स्ट रो बिकम कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। सो ऑर्डर विल बी ऑर्डर 3, तो आपकी रोज होगी 1, 2, 3 एंड 2 कॉलम्स, तो 3 × 2, ये इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज की बात, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज ऑलवेज इज इक्वल टू ए। अगर आपने ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया तो आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिएगा, ये आपका ए है, इसका आपने ट्रांसपोज किया, मतलब रोज तो आपकी कॉलम होगी। अब अगर इसको फिर से आपने ट्रांसपोज कर दिया, एक बार फिर से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, तो फिर से ये जो आपकी रो है क्या बन जाएगा? कॉलम 1, 4, तो इसी के जैसा हो जाएगा। और ये जो आपकी रो है 2, -1, ये बन जाएगा कॉलम। सो आपको क्या मिलेगा? ए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वी ट्रांसपोज अगेन द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देन वी गॉट द सेम मैट्रिक्स, तो हमें वो सेम मैट्रिक्स ही मिलती। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो देखिएगा, अगर एक आपके पास में कोई भी स्केलर है के, और ए आपकी मैट्रिक्स है, देन होल ट्रांसपोज, के आपका स्केलर है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है, देन जो आपका स्केलर है इसको ट्रांसपोज से कोई भी फैक्ट नहीं होगा, और आप इसको देख सकते हो के तो आपका बाहर आ गया, ठीक है, और ए ट्रांसपोज। क्लियर? नेक्स्ट जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है, इसको प्रॉपर्टी से आप सेपरेटली ट्रांसपोज करके लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उसकी बात कर लेते हैं। एक इसमें एक प्रॉपर्टी और है, मेंशन कर देते हैं उसको भी,
मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए इनटू बी मैट्रिक्स होल ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी ओपन एज, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये नहीं होगा, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट वन सिमेट्रिक matrix and second one skew symmetric matrix. So what do you understand by symmetric and skew symmetric matrix? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि symmetric matrix and skew symmetric matrix होती क्या है। देखिएगा symmetric matrix की बात करते हैं, If आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, ओके, when we transpose the matrix, अगर आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया एंड अगेन यू ऑब्टेन द सेम मैट्रिक्स और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिली वो सेम A के ही इक्वल है, तब आप बोल सकते हो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स कंसीडर की, ध्यान से देखिएगा, 1 -1 4 2 2 3 3 8 8, ओके, दिस इज ए मैट्रिक्स। फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। सो ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज को कॉलम्स बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो, इसी को ही ट्रांसपोज कहा जाता है। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, 1 2 3, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, What will be obtained? क्या मिला हमें, ध्यान से देखिएगा, just similar matrix to A, 1 2 3 1 2 3, 2 -1 8 2 -1 8 3 8 4 3 8 4, therefore it is equal to A, hence the given matrix is a symmetric matrix. तो इसका मतलब हमारी जो matrix है वो क्या है, symmetric matrix। Similarly इसी तरीके से there is a little difference between symmetric and skew symmetric. What is the difference? Let us see. देखिएगा, If there is a matrix A, when we transpose the matrix, if we got the negative of A, अगर हमें मिलता है A matrix की कोई भी, उसका आपने क्या किया, transpose किया, और वो transpose negative of A के equal है, negative का मतलब A मिला उसका negative, so these type of matrices are called skew symmetric matrices. For example, 1 1 2 -2 2 into 2 order matrix, first we need to find its transpose, iska transpose kijiyega, 1 2, okay, and -2 1, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें जस्ट जैसे ही आपने ये किया है, ध्यान से देखिएगा नेगेटिव ऑफ ए ये क्या है, नेगेटिव ऑफ ए जैसे ही आपको मिल जाएगा, सो ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक, A square matrix can be expressed as the sum of symmetric and equal. ठीक है, इसको आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे आपके पास एक नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव के लिए 1 -2 2 1, नेगेटिव साइन कॉमन, ओके। ये जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों ये होंगे आपके जीरो, ये एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, अदरवाइज इनपे साइन का जो आप इम्पैक्ट है नेगेटिव का वो इम्पैक्ट आएगा, तो इनको करोगे जीरो,
और इसमें से नेगेटिव हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते ये जीरो जीरो, ये हो गया टू और ये आपका क्या है ए, आप लिख सकते हो माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, क्लियर है। सो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक उसकी क्या फॉर्म होगी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा सिमेट्रिक, और अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया हाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड, हाउ कैन बी एक्सप्रेस्ड एन स्क्वायर मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो वी कैन एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनके टर्म्स में लिखेंगे। इसके टर्म में लिखने के लिए अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिखना है, तो अभी मैंने बताया आपको ये तो है आपकी सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, और ये है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म, क्लियर। सो दोनों में आपको क्या करना है, हाफ यूज कर सकते हो, हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस, देन वी गॉट ऑलवेज द ए मैट्रिक्स व्हिच इज अ स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिखने का मेथड जो है वो है हाफ सिमेट्रिक प्लस हाफ स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3, इसके जो क्वेश्चंस हम तो मूव करते हैं 3.3। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सेकंड पार्ट करता हूं मैं इसका, लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स के इक्वल है 1 - 1 - 2 - 3। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड, सो ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके, वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट्स आप सॉल्व कीजिएगा। इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई ए प्लस बी whole dash is equal to a dash plus b dash, so first आपको जो verify करना है वो है a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, LHS पार्ट को लेके चल रहा हूँ। a जो मैट्रिक्स गिवन है -1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 2 - 1 - 1, और b जो आपको मैट्रिक्स गिवन है -4 - 1 - 5 - 1 - 2 - 0 - 1 - 3 - 1, ओके, ये इसका होल ट्रांसपोज, ए की जगह सब्स्टिट्यूट किया, बी की जगह मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट किया, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मैं यहां लिख देता हूं -1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 2 - 1 - 1, प्लस बी ट्रांसपोज लिख देता हूं -4 - 1 - 5 - 1 - 2 - 0 - 1 - 3, ओके। आरएचएस में मैट्रिक्स को ऐड करेंगे -5 - 6 - 1 - 3 - 9 - 3 - 2 - 9 - 2। LHS की बात करते हैं, इसमें पहले आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके बाद ट्रांसपोज करना है। एडिशन कर देता हूँ -5 - 3 - 2 - 6 - 9 - 9 - 1 - 4 - 2,
इसका क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको ट्रांसपोज किया, चेक करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स वही आई या नहीं आई, चेक कीजिएगा। -5, -3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2, 4 कैसे आए, 4, 4, 4, 1, +3, तो यहां भी आपके पास 4 आना चाहिए, 1, +3, ये हो गया आपका 4, ओके। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। क्लियर है, कर सकते हो, सिंपल ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एंड हाउ कैन वी राइट अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टीज जो आपको बताई है उनको ध्यान रखिएगा, उनके बेसिस पे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।